तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है, इसे छोड़िए ना उन सब चीज़ों का, उस सबका कोई वैल्यू है। इधर की बात उधर मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कंफ्यूज करना होता है। कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं ना यूपी से कितने तादाद में लोग जो हैं यहाँ जो है नौकरी के लिए आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तीसरी बैठक में, गैर भाजपाई दलों की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में बैठक होनी है, इंडिया की बैठक होनी है। उससे पहले नीतीश कुमार क्या कन्वेनर बनेंगे, इस बात को लेकर चर्चा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश को आज़ादी 1947 में मिली, उस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि उसके बाद भी अंग्रेज इस देश में रहे। असल में आज़ादी इस देश को 1977 के बाद मिली है, यानी कि जेपी मूवमेंट के बाद। नीतीश कुमार क्या कुछ कहते, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज खूब आगे बढ़ाया है, ये बोलेंगे। नीतीश कुमार ने तो कहा ही है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से क्या कहा है, जरा सुनिए। चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर एक सवाल है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि देश की आज़ादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं, 1977 में देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी देश को 1977 में मिली है जेपी आंदोलन के बाद, ये बोल रहा है सम्राट चौधरी ने कहा 1947 में आज़ादी मिली उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो सीधे सीधे जिसको हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, आज जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है, इसे छोड़िए ना उन सब चीज़ों का, उस सबका कोई वैल्यू है। सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे आज। देश की आज़ादी से जिन्हें मतलब नहीं है वो कह रहे हैं कि 1947 में आज़ादी मिली, हम इस बात को नहीं मानते हैं। 1977 कुछ भी इन लोगों को कह रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है। और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग मनाता है, 15 अगस्त को कह लें लोग झंडा फहराता है, कौन सी बात है, बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कन्फ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। इंडिया कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। इंडिया की तीसरी बैठक होनी है 31 अगस्त को, क्या लालू जी भी जाएंगे और क्या नई पार्टियां भी शामिल होंगी? नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत है, तो सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग तो जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती, उसमें कहाँ कोई बात आगे की तैयारी है। चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, क्या इसकी तैयारी भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है और आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। अच्छा, मोदी जी रोजगार मेला लगा रहे हैं, मोदी जी रोजगार मेला लगा रहे हैं, रोजगार बांट रहे हैं, रोजगार नौकरी पर बात हो रही है और एक चिन्ह हो ताकि कंफ्यूजन हो इसकी भी चर्चा। आप देख रहे हैं ना यूपी से कितने तादाद में लोग जो है यहाँ जो है नौकरी के लिए आ रहे हैं और वही यूपी वाले क्या बोल रहे हैं भाई, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ खाली हिंदू मुसलमान बुलडोजर यही चीज़ों की कथा कहानी जो है रची जा रही है। लेकिन हम लोग भी इनको मुद्दे पे लाएंगे और हम लोगों ने पहले भी कहा था जो असली जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का, और देश में सबसे बड़े तादाद में जो है विज्ञापन निकाली गई है, इससे बड़ा जो है अभी तक जो है विज्ञापन कभी भी नहीं निकला और न आगे हम लोग जो है इसी तरीके से, ये तो एक विभाग का है, आगे और धीरे धीरे विभागों का जो है आएगा। ना खुद जाते हैं कहते हैं कि हमने भैया पहले छुप के आते थे, खुल करके आ गई ये भारत सरकार,
तो ये लोग तो कभी पक्षधर हुई नहीं है। कल तो पार्टी के लोगों ने, मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को आप लोगों के समक्ष जो है रखा ही है। तो ये तो हकीकत है कि भाई आप जो है शुरू से ही नहीं चाहते थे, और हम लोग तो कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं, और यहाँ की बीजेपी के जो लोग हैं कहते 24 घंटा मारे भाई 24 घंटा, उधर आप रोक रहे हैं, चलो ठीक है वो भी नहीं, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक तो दिमाग होना चाहिए ना लोगों को कि आंकड़ा आता है तो उसको पूरा तरीके से हर एक चीज़ देखा जाता है, कंबाइन किया जाता है, फिर जोड़ा घटा जो होता है वो सब चीज़ें चले। सर पीएम आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो तीसरी बार भी आएंगे, पीएम आश्वस्त दिख रहे हैं वो तीसरी बार भी आएंगे, फिर आएंगे वो क्या, वो आश्वस्त है, उनको रहने दीजिए, उनसे क्या लेना देना है, लेकिन देश की जनता का तो मूड कुछ और ही है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक उनको बधाई देते हैं, और अब तक के वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार कोई जो भारतीय है जो है गोल्ड मेडल लाया है, नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई, और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, और इसी तरीके से जो है खेल कूद जो है लोगों को जो है बढ़ावा और जो है मिलना चाहिए। अब सोचिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था जैवलिन थ्रो में जो है लगातार नीरज चोपड़ा जो है एक कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करते रहेंगे, और पाकिस्तान के जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ये खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, अरे हिस्ट्री रचा गया है तो बहुत बढ़िया बात। सुबह हम लोगों को जन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से क्या कुछ कहा है, पूरी बातों को आपने सुना है, नीरज चोपड़ा को भी बधाई दिया है जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है पूरे विश्व में, और बीजेपी जो बात करती है रोजगार की, अब रोजगार पा रही है, वहीं रोजगार की बातें बिहार में पहले से होती रही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के बयान को लेकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने कैसे हुंकार भरी है, इंडिया की होने वाली बैठक को लेकर तेजस्वी यादव कितने तैयार हैं, कितने आश्वस्त हैं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।